नैनीताल जिले के दुर्गम दुना गांव में जहरीला किंग कोबरा घर के मंदिर में घुसने से सनसनी फैल गई। आपको बताते हैं, नैनीताल से लगभग 20 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा मार्ग स्थित बेतालघाट ब्लॉक के गुना गांव में केशव राम के घर में सवेरे ब्लैक किंग कोबरा सांप आने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है, जहरीला कोबरा पहले घर के बाहर पान उठाकर खड़ा हो गया। घर के सभी लोग बाहर आ गए, वन विभाग के रेंजर को सूचित किया गया, जिसके बाद नैनीताल से स्नेक कैचर को मौके के लिए रवाना किया गया। टीम के पहुंचने के बाद ग्रामीण जलूस की शक्ल में घटनास्थल तक पहुंचे। घर के अंदर व्यस्क नर किंग कोबरा मंदिर में मूर्तियों के पीछे जा छुपा। कई बार नाकामयाब होने के बाद टीम ने बमुश्किल विषैले 10 फीट लंबे कोबरा सांप को काबू किया। कोबरा को एक बड़ी बोतल नुमा जार में डाला गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने चैन की सांस ली। टीम ने कोबरा सांप को रेस्क्यू कर महेश खान के घने जंगल में आजाद कर दिया। छोटे छोटे बच्चे घर के अंदर आए तो इन्होंने तुरंत हमें सूचित करा ग्रामवासियों को, तो हमने रेंजर साहब को फोन करके, तो 11 बजे की बात है, और रेंजर साहब ने सीधे अपनी टीम भेज के जो है यहाँ से किंग कोबरा जो है वो पकड़ा गया। इस दौरान क्या हुआ, घर वाले कहाँ गए? हाँ, घर वाले सर ये बाहर खड़े थे, डर के मारे ये भयभीत हो गए थे यहाँ पे, तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और आपने जो है सूचना आई थी कि यहाँ किसी के घर में सांप घुसेगा, ये पाटली में, पाटली गांव। जब हम आए तो ये मंदिर घर के अंदर जाके मंदिर में चढ़ गया था। मंदिर में जाने के बाद बहुत मुश्किल से इसको पकड़ा गया है। अभी हम रेस्क्यू करके इसको दूर जंगल में छोड़ दें। इसकी ये किंग कोबरा प्रजाति है।